आप सभी का स्वागत है हमारे बॉलीवुड पैसेंजर में। आज हम बात करेंगे इतनी बड़ी हिट फिल्म द केरला स्टोरी को ओटीटी पर क्यों नहीं जगह मिल पा रही है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं, पठान के बाद इस साल की दूसरी सबसे बड़ी सुपर हिट फिल्म द केरला स्टोरी हो रही है। इस फिल्म को जहां एक समाज विवादों का सामना करना पड़वाया था, वहीं दूसरी समाज इसे काफी पसंद किया था। इन सब पे इतर फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी और 5 सप्ताह तक थिएटर में लगी। इस फिल्म ने कमाई भी अच्छी खासी की। डायरेक्टर सुधीपति सेन ने इसके रिलीज से पहले बताया था कि फिल्म की केरल की कुछ महिलाओं की कहानी बताई गई है, जिसमें इस्लाम धर्म अपनाने और फिर ISI में भर्ती होने के लिए मजबूर किया गया। अब इस फिल्म के मेकर्स फिल्म को OTT पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि OTT पर अच्छी डील नहीं मिलने से सुधीपति सेन काफी निराश हैं। बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के अनुसार सुधीपति सेन ने यह खुद बताया कि फिल्म के लिए OTT पर उन्हें अच्छी डील नहीं मिल पा रही, इसके वजह से वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। सुधीपति सेन ने कहा कि उन्हें लगता है कि इंडस्ट्री के एक वर्ग उनकी सफलता को देखना नहीं चाहता, उनकी सफलता की यह सजा दे रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि केरला स्टोरी की सफलता ने कई लोगों को परेशान किया। वहीं खबर ये भी सामने आई कि OTT प्लेटफॉर्म ऐसी फिल्में चाहता है जो मनोरंजन और क्रिएटिविटी हो। केरल स्टोरी प्रोपेगेंडा के रूप में सामने आई है। इसके अलावा दर्शकों का एक खास वर्ग इस फिल्म से काफी नाराज है। फिल्म में लीड रोल प्ले करने वाली आदा शर्मा ने फिल्म को लेकर कहा वो आभारी हैं कि फिल्म इनकी इतनी अच्छी कमाई कर रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद 5 सप्ताह तक किसी फिल्म का थिएटर में चलना सपना की तरह लग रहा था, लेकिन उनकी द केरला स्टोरी ने 5 सप्ताह तक थिएटर में टिक कर अपनी एक बम्पर कमाई की, उसके लिए वो बहुत आभारी हैं। वहीं आदा शर्मा ने यह भी कहा कि फिल्म आतंकवाद के खिलाफ है, ना किसी की खास समुदाय के खिलाफ। वहीं द कश्मीरी फाइल के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने बयान दिया कि यदि फिल्म अच्छा प्रदर्शन करती है, वह स्टोरी की कहानी होती है, तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसका टेंशन आप ना लें, फिल्म आपकी जरूर OTT पर रिलीज होगी। आपको क्या लगता है, ये फिल्म OTT पर रिलीज होनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। चलते चलते वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।